मेगास्टार अमिताभ बच्चन फिल्म इंडस्ट्री में 50 साल पूरे कर चुके हैं और यकीनन बिग बी के 50 साल के इस खूबसूरत सफ़र के साथ 5,000 यादें जुड़ी हैं जिन्हें वो अक्सर सोशल मीडिया के ज़रिए साझा करते हैं। आज अमिताभ बच्चन के फिल्मी करियर से जुड़ा एक ऐसा ही किस्सा हम आपको सुनाएंगे। इस किस्से के तार वहीदा रहमान के साथ जुड़े हैं। 50-60 के दशक में वहीदा रहमान इंडस्ट्री की मोस्ट पॉपुलर अभिनेत्री के तौर पर जानी जाती थी। उनकी एक्टिंग और खूबसूरती के सभी दीवाने थे। उनके डांस पर हर कोई फिदा था। 70 का दशक आते आते वहीदा रहमान ने माँ का किरदार अदा करना शुरू कर दिया। हालांकि 70 के दशक में भी वहीदा रहमान कई फिल्मों में लीड अभिनेत्री के तौर पर नजर आईं और उन्हीं में से एक फिल्म थी रेशमा और शेरा, जिसमें वो सुनील दत्त के अपोजिट कास्ट हुई। इस फिल्म में अमिताभ बच्चन भी मुख्य किरदार निभा रहे थे। फिल्म के एक सीन के दौरान वहीदा रहमान को अमिताभ बच्चन के गाल पर थप्पड़ मारना था और ये थप्पड़ वहीदा रहमान ने इतनी ज़ोर से मारा कि बिग बी को वाकई महसूस हुआ। शूटिंग के दौरान एक सीन में वहीदा रहमान को बिग बी के गालों पर ज़ोरदार थप्पड़ लगाना था। वहीदा ने पहले ही बिग बी को सचेत करते हुए कहा, अमिताभ बहुत जोर का लगने वाला है। पहले शॉट में ही बिग बी को थप्पड़ इतनी जोर से पड़ा कि बिग बी के होश उड़ गए। वो वहीदा जी से गाल पर हाथ रखे हुए कहते हैं, वहीदा जी अच्छा था। आपको बता दें, त्रिशूल, अदालत, नसीब, कभी कभी, कुली जैसी फिल्मों में साथ इन दोनों ने काम किया। वहीदा रहमान अमिताभ बच्चन की सबसे पसंदीदा को एक्ट्रेसेस में से एक हो गई। लेकिन ये जो थप्पड़ वाला किस्सा रहा, ये फिल्म को रिलीज हुए इतने साल बीत चुके हैं, आज तक अमिताभ बच्चन नहीं भूले। नेक्स्ट 9 न्यूज़ से मेघा की रिपोर्ट।